क्वेश्चन नंबर 51, सी अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 केजी मीटर स्क्वायर, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.5 केजी मीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, सो दिस इज ओमेगा वन, इट पिक्स अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एट इट्स एज, मतलब क्या, इनिशियली जो व्हील है दैट वॉज रोटेटिंग लाइक दिस विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा वन, बाद में क्या हुआ, ये जो व्हील है इट पिक्स अप अ पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल, तो ये पार्टिकल सपोज कहां पर है, ऑन इट्स एज यहां पर, तो ये जो है ये अभी न्यू एंगुलर स्पीड से रोटेट होगा, क्यों, बिकॉज ये जो सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है, करेक्ट, पहले सिर्फ ये व्हील था और बाद में व्हील प्लस मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली ओमेगा डिक्रीज होगा, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इसलिए एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, सो वी कैन राइट आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, करेक्ट, तो पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा आई टू, सो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वो जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा होता है एम आर स्क्वायर, करेक्ट, सो आई वन इज 0.5 प्लस मास ऑफ द पार्टिकल इज कितना मास है 200 ग्राम मतलब 0.2 केजी इनटू आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा 0.5 प्लस 0.2 इनटू 0.04, तो इसको हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो आई वन ओमेगा वन, सो आई वन इज 0.5, ओमेगा वन इज 20, आई टू इज 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.04 इंटू ओमेगा टू, तो ये कैलकुलेशन करो हमको मिलेगा ओमेगा टू मतलब न्यू एंगुलर स्पीड, चेक करो कैलकुलेशन कितना आएगा, तो ये कैलकुलेशन आएगा 19.69 अप्रोक्सीमेटली 19.7 रेडियन पर सेकेंड, देख लो अच्छे से एक बार, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 52, अ ड्राइवर हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज 6 केजी मीटर स्क्वायर, वो रोटेट होगा विथ सम एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड, अभी प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड्स, तो पहले हैंड्स ऐसे थे, अभी हैंड्स आर इनसाइड, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है तो ओमेगा इंक्रीज होगा, करेक्ट, तो इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड्स एंड फीट टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 मतलब न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 5 केजी मीटर स्क्वायर, करेक्ट, हमको फाइंड करना है न्यू एंगुलर स्पीड, तो अगेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज 0, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई वन ओमेगा वन शुड बी इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, तो 6 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 5 इंटू ओमेगा टू, कैलकुलेशन कर लो हमको मिल जाएगा ओमेगा टू 2.4 रेडियन पर सेकेंड, एकदम इजी,